तो दोस्तों, अगर आप भी अपने वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करके बनवाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने नए वोटर आईडी कार्ड के लिए बिल्कुल फ्री में घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके आप आसानी से ऑनलाइन ही बनवा सकते हैं। तो ऑनलाइन करने का प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर एप्लीकेशन को सबसे पहले आप ओपन करेंगे। सर्च बॉक्स में आप ये एप्लीकेशन वोटर हेल्पलाइन जो एप्लीकेशन है आपको इसे अपने फ़ोन में सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। मेरा यहाँ पर ओपन का ऑप्शन इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से डाउनलोड किया हुआ है। आपको अपना ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद ओपन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो जो एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर पहले से आपने इस एप्लीकेशन के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अपना मोबाइल नंबर डालकर, पासवर्ड डालकर सेंड ओटीपी पे, यानी सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन पे तो न्यू यूज़र का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपको इस न्यू यूज़र वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। आप यहाँ पर कोई भी एक मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे, उसके बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके उस नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप इंटर करेंगे और पासवर्ड बनाएंगे और यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला हुआ था रजिस्ट्रेशन करने के लिए वही नंबर डालना है आपको, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड जो कि आप बनाएंगे वही पासवर्ड डालेंगे और नीचे सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको नंबर पे आपके उस पास ओटीपी आएगा मैसेज में, आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है, उसके बाद लॉगिन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आएगा। अपना नया वोटर आईडी कार्ड आपको बनवाना है ऑनलाइन अप्लाई करके तो यहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उस तरीके से अगला इंटरफेस शो हो जाएगा। पहले नंबर पर फॉर्म 6 आएगा, यानी इसी फॉर्म को फिलअप करना होगा अपने नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए। तो फॉर्म 6 वाले न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। अगला इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। बस आपको नीचे लेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर आईडी फर्स्ट टाइम। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड जो है फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यस वाला ऑप्शन पहले से सिलेक्ट होगा। सिंपल नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको स्टेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका स्टेट होगा उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो भी आपका स्टेट होगा यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर असेंबली पूछ रहा है, जो भी आपका विधानसभा होगा आपको अपना विधानसभा यहाँ पर दिख जाएगा, आप उसे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक कैलेंडर ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको ईयर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर है आपको इस तरीके से स्क्रॉल करके देख लेना है, और जहाँ भी आपका ईयर शो हो रहा है बस आप उसे सिलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद जो भी आपका मंथ होगा आपको मंथ इस तरीके से स्क्रॉल करके ला लेना है, इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद आपको जो भी डेट होगा आप डेट यहाँ पर सिलेक्ट करके ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका यानी डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए जो आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आपको एक सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट होकर ओपन होकर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट, अगर मैट्रिक सर्टिफिकेट है, 12वीं सर्टिफिकेट है तो आप वो भी यहाँ पर सिलेक्ट करके दे सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट भी आप दे सकते हैं। तो अगर आपको आधार कार्ड देना है तो आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कैमरा अगर डायरेक्टली फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो कैमरा ओपन हो जाएगा, नहीं तो अगर फोटो से आपने पहले से क्लिक किया हुआ है तो गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो फोटो है आप सबसे पहले यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पर बताया गया अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी जो भी आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे उस पर आपका सिग्नेचर होना जरूरी है। तो आपको सिग्नेचर करके यहाँ पर फोटो क्लिक कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन से, और उसे आपको यहाँ पर अपलोड करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर जैसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर अगले इंटरफेस में आपको एक फोटो अपलोड करना होगा। तो फोटो अपलोड करने के लिए अपलोड पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्टली आप फोटो अपना क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो पहले से गैलरी में सेव है तो गैलरी वाले ऑप्शन को क्लिक करके अपना एक फोटो यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जेंडर में मेल फीमेल जो भी होगा आपको अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना नाम यहाँ पर आपको डालना है। नाम यहाँ पर इंग्लिश में जैसे ही टाइप करेंगे, आप जैसे यहाँ पर हिंदी वाले ऑप्शन में टाइप कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, अगर आपका नाम राम है, जैसे आप राम टाइप करके यहाँ पर आप टाइप करते हैं तो इस तरीके से ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है।
उसके बाद नीचे यहाँ पर सरनेम है तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। अपना आधार डिटेल्स में आधार नंबर देना चाहते हैं तो आधार नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर अगर नहीं भी दीजिएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है, बिना मोबाइल नंबर के आप अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी अगर आप देना चाहते हैं तो उस ईमेल आईडी को यहाँ पर आप डाल लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर नीचे सिंपल नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगला इंटरफेस इस तरीके से डिस्प्ले होगा। रिलेशन टाइप पूछा जा रहा है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड पे अपने पिताजी का नाम रखना चाहते हैं, आप अपने माताजी का नाम रखना चाहते हैं तो फादर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है, और यहाँ पर जो भी आपके पिताजी यानी फादर का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा, और उसके बाद नीचे यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। करने के बाद अगला इंटरफेस इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर एड्रेस में आपको हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर पूछा जा रहा है, तो जो भी आपके हाउस नंबर होगा, गृह संख्या होगा, अगर आपके घर में किसी का भी पहले से वोटर आईडी कार्ड बना होगा तो उस पर हाउस नंबर दिया गया होगा, आपको वहां पर देखना है और यहां पर एंटर कर लेना है। अगर वोटर आईडी कार्ड पर नहीं दिया गया है तो हाउस नंबर कैसे निकालते हैं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका फुल एड्रेस है आपको यहां पर वो सारा एड्रेस आपको फिल कर लेना है पिन कोड के साथ, और उसके बाद नीचे यहां पर नेक्स्ट के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले आप यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर सिलेक्ट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट लिस्ट आ जाएगा आपके सामने कि इस डॉक्यूमेंट में से कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है एड्रेस प्रूफ में देने के लिए। तो देख सकते हैं वाटर कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पासबुक भी दे सकते हैं, इंडिया पासपोर्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है जिसमें से कोई भी ऑप्शन आप जो भी आपके पास अवेलेबल होगा आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उस पर भी अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट यानी आपको उस पर भी सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर करने के बाद फोटो क्लिक कर लेना है। तब यहाँ पर आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गैलरी में जो भी आपका फोटो डॉक्यूमेंट होगा उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है, और उसके बाद नीचे यहाँ पर रिलेशन टाइप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको फादर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, और अगर पहले से जिसका भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है उसका देना चाहते हैं आपके पिताजी का है तो फादर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ फैमिली मेंबर, उनका नाम यहाँ पर डालेंगे, और उनका जो पहले से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है वो यहाँ पर डालेंगे। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अगला इंटरफेस इस तरीके से डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आपको डिस्ट्रिक्ट अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो भी आपका गांव शहर का नाम होगा वो इंटर कर लेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस एड्रेस पर कितने दिनों से रह रहे हैं, तो सिंपल क्या करना है यहाँ पर सिलेक्ट डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ एप्लीकेशन में आपका जो भी गांव शहर का नाम होगा वो डालेंगे, और उसके बाद डन के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। आपके सामने फॉर्म 6 का प्रीव्यू शो किया जाएगा, जो भी आपने डिटेल्स फिलअप किया होगा वो सब कुछ आपको यहाँ पर एक बार देख लेना है कि सही सही आपने फिलअप किया या नहीं। उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, कंफर्म ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, और उस रेफरेंस नंबर के जरिए आप अपने जो वोटर आईडी कार्ड है उसे ट्रैक कर सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड बना या नहीं।